मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 1 बी कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। चैप्टर नेम है हमारे पास नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व दीस सम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। आपने इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करते हुए आप लोगों ने सब ये माइंड सेट जो भी है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है आपने किसका, बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बता चुकी हूँ कि अगर आपको कहा जाता है कि 1 ग्रेटर नंबर है तो आपके पास 9, 2 ग्रेटर है तो 2 टाइम्स 9 3 है तो 3 टाइम 9। अब कितने ग्रेटर डिजिट हैं, 8 डिजिट नंबर, तो हमें 8 दफा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रेटर डिजिट हमने लिखी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमने इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं भूलना, हमने हर डिजिट को इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक लिखना है। हमारे पास 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आ गए एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट यानी कि 5 टाइम्स 9 आपने लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, और इन्हें आपने क्या कर देना है, डिफरेंस मीन माइनस कर देना आपने। अब आप इन्हें सिंपल माइनस करें, 9 में से 9 माइनस किया 0, फिर 9 में 9 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस किया 0, सो ऑन। आपने जस्ट इनमें माइनस किया, 9 में से 9 माइनस किया 0, ये भी 9 में से 9, 0 9 एज इट इज, तो आपका जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें, फ्रॉम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर। आपके पास कितने डिजिट्स हैं, स्मॉलेस्ट, पहले आपके पास ग्रेटेस्ट की बात हुई थी, अब आपके पास 8 स्मॉलेस्ट डिजिट्स हैं, इन्हें आपने सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी कि 8 स्मॉलर डिजिट्स को 6 ग्रेटर डिजिट से माइनस करना है। सबसे पहले हम 8 जो है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 स्मॉलेस्ट डिजिट्स थे जिन्हें हमने इंटरनेशनल में लिखा, हमने सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या हो गया, जितने नंबर्स हैं उतने अपने 9 में लिख देना है, 1 2 3 4 5 6, सिंपल आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपका आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो आपका इसका आंसर है जिसको आपने इंटरनेशनल सिस्टम को में ही लिखना है। अदरवाइज अगर आपका इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिखा हुआ ना आया तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है। अब इसे देखते हैं कि आपके पास ये आंसर कैसे आया। देखिए ये जीरो था, ये भी जीरो, सो ऑन जीरो चलते आ रहे हैं, और हमारा पास क्या है 9। अब ये माइनस तो हो नहीं सकता, हमने यहाँ से इसको कैरी लिया, ये आपके पास 10, ये आपके पास 0, यहाँ से जब हम यहाँ पे कैरी लाए ये आपके पास 9 और ये 10, सेम इसी तरह ये 10 हो जाएगा आपके पास ये 9। अब कैरी लेते जाएंगे और पिछला एक आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से एक लेस होता जाएगा। अब ये आपके पास 10 हो गया और ये क्या हो जाएगा 9। अब ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो गया 9। अब यहाँ से यहाँ पे कहेंगे ये 10 और ये क्या हो गया 9। अब ये आपके पास 10 है, 10 में से 9 माइनस किया 1, अब ये भी 9, ये भी 9, 0, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से फिर 9 माइनस किया 0, फिर 9 में से 9 माइनस किया 0। अब 9 नीचे कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, 9 एज इट इज, दैट इज व्हाई ये आपके पास आंसर है जो कि आपने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए आप, राइट द नंबर इन विच। अब बिल्कुल वैसे है, पहले आपके पास ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मोर देन लिखा होता था, मोर देन ना था कि आपने प्लस करना है, और अब आपके पास क्या लिखा होगा लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कि आपने उसमें क्या करना है, जस्ट माइनस। आप अपनी वैल्यूज लिखें, 4984038, उसमें आपके पास 2000 है, आपको एंड से इंटरनेशनल सिस्टम को ध्यान रखते हुए आपने एंड से लिखना है। 8 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3। अब ये 0 था, यहाँ से कह लिया ये 10, ये क्या बच गया आपके पास 3, 10 में से 2 माइनस किया 8, 3 एज इट इज, 8 भी एज इट इज, 9 एज इट इज, 4 देन। अब आपके पास ये आंसर है जिसको आपने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास बुक में चार्ट है, जैसा कि आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस चार्ट को स्टडी देखकर आप नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके मुताबिक देखना है। आपके पास कुछ ये जो है वो शहरों के नाम लिखे हैं, जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, और यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन जो है उनकी उन्होंने जो है मर्दमशुमारी जो है जिसे सेल्सियस भी कहा जाता है वो बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ मेनी पीपल लिव इन कराची एंड कराची देन इन रावलपिंडी। आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपके पास कराची में आप देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद आप देखें रावलपिंडी की पॉपुलेशन।
अब आपके पास कराची और रावलपिंडी की पॉपुलेशन आपकी नजर में आ चुकी है। अब आप देखिए क्वेश्चन दोबारा, हाउ मेनी पीपल लिव इन कराची देन रावलपिंडी, कि कराची में कितने लोग रहते हैं रावलपिंडी, अब आपके मुताबिक कि रावलपिंडी और कराची का आप लोगों ने एक्चुअली में कंपैरिजन करना है कि कितने ज्यादा कराची में लोग जो है वो रहते हैं एज कम्पेयर टू रावलपिंडी। सिंपल, आप अपने कराची में जो आपके जो है मर्दमशुमार जो उन्होंने नंबर जो है पॉपुलेशन बताई गई है, आप सबसे पहले वो लिखे, उसके बाद जो आपकी रावलपिंडी की है वो आप लोगों ने सेकंड नंबर लिखना है क्योंकि वो स्मॉल वैल्यूज हैं। अब आपने एंड से डिजिट स्टार्ट करने हैं, हर थ्री डिजिट के बाद डिस्टेंस करना है और सिंपल माइनस करना है, तब जाके हमें फर्क पता चलेगा कि कितने ज्यादा पीपल जो है वो कराची में रहते हैं एज कम्पेयर टू रावलपिंडी। अब माइनस करें, टू में से वन माइनस किया वन, फाइव में से थ्री माइनस किया टू, थ्री में से टू माइनस किया वन, अब ये जीरो था कैरी ले लिया, टेन, टेन में से एट माइनस किया टू, अब यहाँ पे जीरो बचा वन, कैरी लिया टू, टेन, टेन में से नाइन माइनस किया वन, यहाँ से चूंकि हम कैरी ले चुके थे तो ये क्या बच गया हमारे पास एट, एट में से जीरो माइनस किया एट, फोर में से टू माइनस किया वो टू और वन एज इट इज। इसका एट पार्ट डन हो गया। अब इसके आपने बी पार्ट में जाना है। उससे पहले आप क्वेश्चन में देख लें, आफ्टर फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद विच सिटी हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब अपने टेबल में देखें, टेबल में देखेंगे उन्होंने फैसलाबाद को मेंशन किया, उन्होंने कहा फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस शहर की है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रावलपिंडी की थी, ठीक है, जिसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका इसके पहले बी के पहले पार्ट का आंसर जो है वो क्या था, रावलपिंडी। इसी तरह आप बुक में इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, हाउ मैनी पीपल आल टूगेदर, कितने लोगों को हम इकट्ठा करें लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद, यानी कि इस सिटी में और फैसलाबाद के लोगों को जब हम इकट्ठा करते तो वो कितने पीपल्स बनेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपने इस यानी रावलपिंडी जो आपने इस टाइम इस जो है बात हो रही थी शहर रावलपिंडी की और कहाँ से फैसलाबाद, दोनों के आपने पॉपुलेशन को ऐड किया, सिंपल जो भी आपके पास आया था भी आपके पास उनको कंबाइन करके जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, वट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी, उन्होंने कहा है टोटल पॉपुलेशन बतानी है लाहौर की और रावलपिंडी। जस्ट आप लाहौर की पॉपुलेशन बोर्ड में लिखें, देखें आपको नजर आ रही होगी, उसके बाद आप रावलपिंडी की लिखें जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों की टोटल पॉपुलेशन बतानी है, सर इनको सिंपल प्लस करके आपने आंसर बता देना है, क्लियर है। उसके बाद डीप आ जाए, विच सिटी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, आपने लीस्ट नंबर बताना है, Which city has the least number of people and what is the different population between this city and Faisalabad? वो कौन सा शहर है जो यहाँ पे आपके पास सबसे कम जिसकी population है, आपको नजर आ रहा होगा कि वो जो है सबसे कम population वो है क्वेटा की, जैसा कि मैंने बोर्ड में मैंशन कर दिया कि क्वेटा वो शहर है जिसकी सबसे कम population है, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट एक बार फिर रीड आउट कर लेते हैं, वट इज द डिफरेंट पॉपुलेशन बिटवीन इन दिस सिटी फैसलाबाद, अब जो क्वेटा की पॉपुलेशन थी उसका और फैसलाबाद की पॉपुलेशन का डिफरेंस करना है कि कितने जो है वो फैसलाबाद के पीपल ज्यादा हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्वेटा में कितने पीपल कम है, सिंपल दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो इनका डिफरेंस है। ई पार्ट में देखें, इफ द पॉपुलेशन ऑफ पिशावर इज एडेड टू द क्वेटा, अगर हम पिशावर की मर्दमशुमारी को क्वेटा में एड करें तो हाउ मेनी पीपल आर देयर टूगेदर, तो टोटल पीपल कितने बनेंगे। सबसे पहले हमने पेशावर के लिखा पॉपुलेशन, देन हमने क्वेटा की लिखी, इन दोनों को सिंपल चूंकि उन्होंने ऑल टुगेदर का यानी इकट्ठा करने को कहा, सिंपल हम इसे प्लस करेंगे और हमारा आंसर आपकी एक्सरसाइज 1B जो है वो खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ न्यू एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।